अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये डे टू इन पटाया। अभी हम अपने होटल की बालकनी में हैं। अभी अभी सुबह सुबह उठे हैं, सुत्ती उठिया नहीं, बाल खिल रहे हैं। जी भाई आप कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। कर लो आप कर लो। चलो फिर नाश्ता करने चलते हैं नीचे। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, 8:30 बजे हमें जाना है। तो नाश्ता करके आएंगे, फिर रेडी होंगे तो चलते हैं। तो भाई रेडी शेडी हो गया, हम आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड। हमारी बस आ गई है, ये हमारी गाइड मैम आ गई है। इनका नाम है मिसेस जॉय। तो चले फिर चलते हैं बस में। तो भाई हम पहुंच गए हैं पटाया आइलैंड, पटाया कोरल आइलैंड जो भी है यार, मैं नाम में बारा कंफ्यूज हूँ। ये दीदी ने हमें राखी बांध ली है, लेकिन दीदी ने तू ही मंदिर। ये दीदी है, उन्होंने हमें राखी बांध दी है। अब ये लाइनों में लगवा रहे हैं फोटो वोटो के लिए। कोई फोटो मोटू नहीं लेगा, हम फोटो मोटू फिर चलते हैं। ये बोट चल पड़ी है, बोट चल पड़ी है। तो भाई हमारा पहला स्टेशन आ चुका है। अब यहाँ से देखें अब हम कहाँ जाते हैं, मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पहले स्टेशन पे अब हम रुके। तो भाई अभी हम पैरासीलिंग के लिए जाने वाले हैं। फटी पड़ी है, डर तो लग रहा है लेकिन करनी भी है। फिर हम पूरी फैमिली सब करेंगे पैरासीलिंग अंडर वाटर, और इसके अलावा बनाना बोट और वाटर बाइक। ये अभी एक बंदा जा रहा है, देखें। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है पैरासीलिंग का। पैरासीलिंग स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग में हम लोगों ने पानी के अंदर जाके मछलियों को खाना खिलाया अपने हाथों से। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था यार। मुझे दुख इस बात का है, बस एक दो चीज़ की वीडियो होगी, इसके अलावा मेरे पास किसी चीज़ की वीडियो नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल है तो बोल रहे अपने रिस्क पर लेके जाओ। अब बनाना बोट है, उसमें आपको पानी के अंदर फेंकते हैं, मतलब वो बोट होती है उसकी, वो पूरी घुमा देते हैं, उल्टी कर देते हैं, आपको पानी के अंदर गिरा देते हैं। अब फ़ोन ले जा नहीं सकते, मसला ये है। दूसरी जेट्स की में भी नहीं ले जा सकता था उसने जिस तरह चलाई है। अभी यहाँ से हम लोग फारिग हो गए, 1 बजे का टाइम था यहाँ। अभी स्विमिंग वगैरह कर रहे थे हम लोग, स्विमिंग करके अभी हम लोग फारिग हुए। अब हालत ऐसी टायर्ड हो रही है, थक गए। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग होटल हमारे पटाया, वहाँ हमारा लंच टाइम, उसके बाद देखें फिर कहाँ जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो भैया हम पटाया की मार्केट में घूम गए, नाइट मार्केट में कुछ लेने के लिए। वहाँ से तो आगे सो गए थे हम, अभी उठे थे 6 बजे, फिर निकले। अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चीज़ें इतनी महंगी है यार। यहाँ भी महंगाई हुई है, हम सब जैसे पाकिस्तान में हुई है। 1400-1400 रुपये के वो दे रहे हैं शॉर्ट्स, पाकिस्तान से मैं 700 रुपये के लेता हूँ। ला खैर करें, अभी तो यूट्यूब की अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी से क्या करें, अब लगे हैं। अब कुछ मिल जाए अच्छा। इनके पास टी शर्ट्स में वेराइटीज़ बड़ी टाइट है यार, जो बात है। तो भाई होटल हम आ गए वापसी। ख़रीदारी मतलब शॉपिंग वॉपिंग हमने इतनी की नहीं, यहाँ महंगा है यार सामान बैंकॉक के मुकाबले में, पटाया में महंगा है। तो हमारे ग्रुप में एक बंदा है, वो यहीं रहता है, मतलब यहाँ रहता था पहले, फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। तो वो बता रहा है कि भाई बैंकॉक में वो कर लो शॉपिंग, इंदिरा मार्केट है कोई, वहाँ इससे सस्ता सामान आपको मिल जाएगा, यही चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। यहाँ हर चीज़ 150 बाद 200 बाद 250 बाद, 150 तो थी नहीं, खैर 250 बाद 300 बाद, वही वो पाकिस्तानी 2500 बनते हैं, और सेम चीज़ पाकिस्तान में 700-800 रुपये की है। क्या फ़ायदा फिर यहाँ से क्यों लें भाई। तो हम लोग अब आ गए होटल, होटल की बालकनी में हूँ। आज का दिन हमारा सुबह बहुत मज़ा आया, सुबह पैसे वसूल हैं, फिर आ गए सो गए थे, फारिग ही थे, अभी भी फारिग ही हैं। खाना वाना खाने जाएंगे, लेकिन ब्लॉग की हिम्मत नहीं है मुझे, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बाकी मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।